वृहत संहिता के अनुसार कौन सा वृक्ष घर के किस दिशा में लगाना शुभ है घर से उत्तर दिशा में पाकड़ का वृक्ष पूर्व दिशा में वट का वृक्ष दक्षिण दिशा में गूलर का वृक्ष और पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि यह सब वृक्ष इन दिशाओं में शुभ होते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अथवा ईशान कोण में वाटिका तालाब या कुआ बनवाता है वह व्यक्ति सदा पुण्य फल पाता है बगीचे में दक्षिण और कोण के बीच में जामुन का वृक्ष पूर्व और ईशान कोण के बीच कदम का वृक्ष कटहल का वृक्ष और आम का वृक्ष लगाए बगीचे के बाहर पूर्व दिशा में बांस उत्तर दिशा में शमी का वृक्ष पश्चिम दिशा में खैर का वृक्ष और दक्षिण दिशा में मोलसरी का कर रोपण करना शुभ होता है जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करता जिसके कोई अपने पुत्र नहीं है उसको आम का बगीचा लगाना चाहिए वह उसी प्रकार स्वर्ग को प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध आदि कर्मों से वारामीर के अनुसार जो व्यक्ति राजमार्ग के दोनों ओर सुंदर वृक्ष रोपण करता है वह मनुष्य चार युगों तक सर्व सुख संपन्न स्वर्ग में निवास करता है ग्रंथों में विवरण प्राप्त होता है कि एक पीपल एक नीम एक बरगद दस इमली के वृक्ष और तीन तीन कैथ बिल्व और आंवला के पेड़ और पांच आम के वृक्ष लगाने से मनुष्य कभी नर्क को प्राप्त नहीं होता है इस संसार में केवल वृक्ष ही इलौकिक और पारलौकिक आनंद की अनुभूति करा सकते हैं